बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन स्थित सोन नदी में तेज बहाव होने से कटार बालू घाट में 29 ट्रक फंस गए हैं, जबकि एक ट्रक लापता है। वाहन स्वामी उपेंद्र सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात कटार बालू घाट में लोडिंग के दौरान सोन नदी में जल स्तर बढ़ जाने से 29 ट्रक फंस गए हैं और एक ट्रक लापता भी है। दो दिन होने पर भी अब तक सुरक्षित वाहन नहीं निकाले जा सके हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन पुलिस ज़रूरत के अनुसार सहयोग नहीं कर पा रही है, जिससे वाहन स्वामियों और अपने वाहन को बचाने के लिए डर सता रहा है। हालांकि सभी वाहन के चालक तथा संचालक बढ़ते जलस्तर को देख वहां से छोड़कर भाग निकले थे। बताने लायक नहीं रह गया है हमको। आपके परसों रोज 1 बजे रात को पानी अचानक बढ़ गया जी। अगर 6 फाटक न खुलकर 2 फाटक अगर खुलता बराज तो ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बाइक 6 फाटक खोल देने से सारा मैंने व्यवस्था गड़बड़ा। आज भी ट्रक फंसा हुआ है? आज भी ट्रक फंसा है। हमारा ट्रक लापता है। हमारा ट्रक का नंबर है UP70FT2424। अच्छा, कितने ट्रक फंसे हैं? 28। क्या नाम आपका? राहत की बात तो यह है कि सोन नदी में ट्रक के फंसने की सूचना मिलने के बाद मौके पर CO अनामिका कुमारी पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक ट्रक को निकाला नहीं जा सका है। वहीं सोन नदी में पानी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे ट्रक मालिकों में चिंता का विषय बना हुआ है।